हरे कृष्णा, आज हम जानेंगे एकादशी व्रत के बारे में। उपवास इस शब्द का अर्थ है पास रहना। हमें अगर भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना आवश्यक है। इसीलिए एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य से दूर रहकर भगवान के जप में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहा गया है कि उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणे सह उपवास स विदेय सर्वभोग विवर्जित। उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती है, पर उनके साथ पंचम पुरुषार्थ यानी कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी व्रतम नाम सर्वकाम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रे विष्णु प्रीणन कारणम। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हम सभी को करना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होने से सुख और समृद्धि अपने आप प्राप्त होती है। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जनते पालन करी। माधव तिथि अर्थात एकादशी, जन्माष्टमी इत्यादि जो व्रत है, भक्ति जननी का मतलब है हमारे हृदय में भक्ति निर्माण करने वाली है। इसलिए वे कहते हैं कि हमें प्रयत्नपूर्वक उसका पालन करना चाहिए। संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराज कहते हैं, जासी नावड़े एकादशी तो जिताची नरकवासी, जासी नावड़े हे व्रत त्यासी नरक तो ही भीत। जासी घड़े एकादशी जाने लागे विष्णुपाशी, तुका मणे पुण्य राशि तोची करी एकादशी। जिसे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती वे जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। जिसे यह व्रत पसंद नहीं उससे नरक भी डरते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित वैकुंठ प्राप्ति होती है। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशियाँ इकट्ठी की है वे ही केवल एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एकादशी को अन्न ग्रहण करने से क्या होता है, इसका वर्णन तुकाराम महाराज इस प्रकार कहते हैं, एकादशी अन्नपान जे नर करती भोजन श्वान विष्ठे समान अधम जनते एक तया देही यमदूत जाले तया से अंकित तुका मणे व्रत एकादशी सुकलिया। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, वो बहुत ही पतित जीव हैं, उन्हें अधम माना जाता है, क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वह श्वान की विष्ठा जैसा होता है। जो यह व्रत नहीं करता उसके लिए यमदूत है और वो नरकगामी बनता है। एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है, इसीलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे अपना हित करना हो उसे निम्नलिखित अन्न का एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए, जैसे कि चावल तथा उससे बने पदार्थ, गेहूँ, ज्वारी, मक्का, इनसे बने हुए अनेक पदार्थ, दाल, मूंग, मसूर, तूर, चना, मटर इत्यादि, जव, राई और तिल का तेल। भूल से भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग होता है। भक्ति में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए। एक ही दिन दो तिथि आती है तो वैष्णव जन उस दिन का व्रत अथवा उत्सव दूसरे दिन करते हैं। इसीलिए हम स्मार्त और भागवत यह दो एकादशी देखते हैं। हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में कहा गया है कि हे ब्राह्मण, सूर्योदय से पूर्व 96 मिनट के पहले एकादशी शुरू होती है। उस एकादशी को शुद्ध एकादशी कहना चाहिए। गृहस्थों को इस एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी करने वाले या करने की इच्छा होने वाले हर एक व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए।